जहाँ पर मेल एक्टर्स 55 और 60 की उम्र में भी रोमांस किए ही जा रहे हैं, वो भी अपनी बेटी की उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ, वहीं पर एक फीमेल एक्ट्रेस का जो करियर होता है वो सिर्फ 8 से 10 साल तक ही पीक पर रहता है। पहली बार दादा साहब फाल्के ने इंडिया में फुल लेंथ मूवी को इंट्रोड्यूस किया तो लोगों को फीमेल्स का मूवीज में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज हम भले ही चीख चीख कर इक्वालिटी की बात करते हैं, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अगर कहीं पर आज भी कोई बेबी गर्ल बॉर्न हो जाती है तो तमाम रिश्तेदार आ जाते हैं ये कहने के लिए वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिव्यू विद अक्की। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब कभी भी किसी बड़े स्टार की मूवीज रिलीज होती हैं तो स्टार्टिंग के क्रेडिट में उस स्टार का नाम मेगा स्टार या सुपर स्टार लिख करके बताया जाता है ताकि पब्लिक के दिमाग में एक ऑरा क्रिएट किया जा सके। कई बार ये ऑरा इतना बड़ा होता है कि मूवी की स्टोरी लाइन और कॉन्टेंट पर भी भारी पड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सलमान खान को उनकी मूवीज से निकाल दिया जाए तो क्या आपको सीरियसली लगता है कि उनमें से कोई भी मूवी देखने लायक होगी? अब क्या कर रहा होगा ये लड़का? लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो आज तक की हिस्ट्री में किसी भी फीमेल कैरेक्टर को मेगा स्टार या सुपर स्टार नहीं बताया गया है, फिर चाहे वो एक्ट्रेस कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, इसके पीछे का रीजन क्या है? जहां पर मेल एक्टर्स 55 और 60 की उम्र में भी रोमांस किए ही जा रहे हैं, वो भी अपनी बेटी की उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ, वहीं पर एक फीमेल एक्ट्रेस का जो करियर होता है वो सिर्फ 8 से 10 साल तक ही पीक पर रहता है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा मेल डोमिनेंट है, इसी पर बात करेंगे। देखिए, मूवीज एक मिरर होती हैं किसी भी सोसाइटी का, और ये जो राइटर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपनी आसपास चल रही चीजों से। और जहां तक बात इंडियन सोसाइटी की आती है तो इंडियन सोसाइटी स्टार्टिंग से ही पैट्रियार्कल सोसाइटी कंसिडर होती है, यानी कि जहां पर मेल्स को फीमेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज हम भले ही चीख चीख कर इक्वालिटी की बात करते हैं, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अगर कहीं पर आज भी कोई बेबी गर्ल बॉर्न हो जाती है तो तमाम रिश्तेदार आ जाते हैं ये कहने के लिए कि आपके घर में लक्ष्मी हुई है, बहुत बहुत बधाई हो। एक्चुअल में ये लोग ओवरवेल्म होकर के दिखा रहे होते हैं कि देखो भाई तुम्हारे यहाँ पर लड़की हुई है, कोई बात नहीं, ये भी एक लक्ष्मी का रूप है। क्योंकि अगर इस लिहाज से देखा जाए तो लड़का होने पर कोई भी रिश्तेदार ये क्यों नहीं कहता है कि आपके घर में विष्णु जी पैदा हुए हैं और आपको बहुत बहुत बधाई हो। वापस से मुद्दे पर आते हैं। ईयर 1913 में जब पहली बार दादा साहब फाल्के ने इंडिया में फुल लेंथ मूवी को इंट्रोड्यूस किया तो लोगों को फीमेल्स का मूवीज में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जब फीमेल्स को काम मिलना शुरू हुआ तो उनके रोल्स काफी ज्यादा स्टीरियोटाइप्ड होते थे, जैसे कि अच्छी बहन, बेटी, वाइफ एटसेट्रा। ये रोल्स मानुस्मृति बुक से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते थे। धीरे धीरे दौर बदला और लव स्टोरीज का जमाना आया, उसके बाद कॉमेडी, एक्शन, कमर्शियल सिनेमाज, और आज लोग रियलिस्टिक सिनेमा को ज्यादा पसंद करते हैं। पर फीमेल कैरेक्टर्स को आज भी साइड रोल के लिए कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट आज तो हालात और भी ज्यादा बुरे, जहां पर फीमेल एक्ट्रेसेस को सेक्सुअल डिजायर के तौर पे सेल आउट किया जाता है। ऐसे गाने रखे जाते हैं जिनका मूवीज के मेन प्लॉट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने नोटिस किया हो तो जॉन इब्राहिम की मूवी चाहे कितनी भी ज्यादा सीरियस मुद्दे पे क्यों ना बनी हो, उसमें नूरा फतेही आधे कपड़ों में आपको ठुमके मारते हुए जरूर नजर आ जाएगी। ये हीरोइंस जब तक सुंदर दिखती हैं तब तक इनको इंडस्ट्री में काम मिलता है, उसके बाद इनका करियर खत्म हो जाता है। इनफैक्ट ज्यादातर हीरोइंस का जो करियर है वो तो शादी के बाद ही खत्म हो जाता है। वहीं पर हॉलीवुड में अगर आप एक नजर डालें तो सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस को 45 प्लस की एज में भी मेन रोल मिलता है। इसका मेन रीजन है राइटिंग ऑन फीमेल कैरेक्टर्स, जैसे कि लारा क्रॉफ्ट एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको इनिशियली एक वीडियो गेम के लिए लिखा गया था और उसके बाद उसको 3 अलग अलग एक्ट्रेसेस ने मूवीज में निभाया, इंक्लूडिंग एंजेलिना जोली। पर क्या आपको याद है कोई इंडियन फिक्शनल आइकॉनिक फीमेल कैरेक्टर? जवाब है नहीं। अगर कोई मूवी आपको फीमेल ओरिएंटेड मिलेगी भी तो ये रोल ज्यादातर या तो किसी विक्टिम के होंगे या तो फिर फीमेल अपने हक के लिए लड़ रही होगी। पर क्या इन फीमेल कैरेक्टर्स का स्कोप सिर्फ एक विक्टिम का ही हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। कुछ मेकर्स अगर फीमेल ओरिएंटेड मूवीज बनाने की कोशिश भी करते हैं तो उनका करियर उनकी मूवीज की लेंथ से भी ज्यादा छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मधुर भंडारकर। बात आती है कि कैसे चेंज होगा, लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस में चेंज करना होगा। फीमेल कैरेक्टर्स को सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ना देख करके बल्कि सीरियस रोल में भी कंसिडर करना होगा इन मेन स्ट्रीम सिनेमा, ताकि राइटर्स को मोटिवेशन मिले और इस तरीके के कैरेक्टर्स ज्यादा लिखे जा सके। ओवररेटेड एक्टर्स को फालतू का रिस्पॉन्स देना बंद करना होगा, ये सोच करके मूवी हॉल में लाइन लगा देना कि भाई की मूवी आई है, फिर चाहे मूवी कितनी ही ज्यादा बुरी क्यों ना हो। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो जल्दी मिलते हैं आपसे रिव्यू विद अक्की के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।